हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखे। धन्यवाद सर। बताइए, आज डूंगरपुर जिले में किसानों के लिए एक योजना आप लेके आए, बताइए इसके बारे में। भारत सरकार की किसानों के संबंधित एक अभिनव योजना है। इस योजना के अंदर किसान संगठन कृषि उत्पादन के नाम से ये योजना प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ की गई है और प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर एक एनजीओ का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत एक कंपनी का गठन हुआ है, जिसमें ये गलियाकोट फार्मर एग्रो कंपनी का गठन किया गया है, प्रोड्यूसर कंपनी का। इस प्रकार के यहाँ पर अभी प्रारंभ में तो हमने कार्य शुरू किया है, खाद, बीज और दवाइयों का काम शुरू किया है। उसके सभी प्रकार के लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा इस कंपनी को अलॉट कर दिए गए हैं। आने वाले समय में ये कंपनी आगे बढ़ा करके काम करेगी। इस कंपनी का और प्रधानमंत्री का मुख्य योजना है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक किसानों का एक संगठन समूह बनाया जाए और किसानों के संबंधित सारी आवश्यकताएं इस किसान संगठन के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से प्रोवाइड किए जाए और इसका एक कार्य बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ में लघु उद्योग, कृषि के संबंधित सारे लघु उद्योग इस FPO के माध्यम से, किसान संगठन के माध्यम से कि वो ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जाएंगे और इसका एक बृहद कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। लघु उद्योग में जैसे कि वो अनाज का फिल्टर करना है, इसके अलावा आटा चक्की का आटा बनाना है, पशु आहार बनाना है, इस प्रकार के जो भी दालें बनानी है, मसाले बनाने हैं, ये छोटे छोटे यूनिट इस NGO के माध्यम से लगेंगे और इसका बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम होगा। उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार होगा। जब एक NGO के द्वारा अगर 20 या 25 ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उन उद्योगों में बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा और फिर किसानों को स्वयं के उत्पादन का ही यहीं पर प्रोसेसिंग होगा और ये सारा काम होगा। इसके साथ साथ डेयरी का काम भी इसके साथ में था, तो ये भारत सरकार की अभिनव योजना है। इसमें मंडी का कार्यक्रम भी है कि जैसे कि अनाज एक किसान पैदा होगा तो अनाज की खरीद इस संगठन के माध्यम से होगी और भारत सरकार की जो नियत है निर्धारित कीमत है उसके अनुसार इसकी खरीद होगी और इसके बाद में फिर उस अनाज को फिल्टर करने के बाद में लोगों को, उपभोक्ताओं को प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार का ये अभिनवी कार्यक्रम है और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में इसी की आवश्यकता है। किसान का उत्पादन भी यहीं होगा और उसका उपयोग भी यहीं के उपभोक्ता करें, इस प्रकार की ये अभिनव योजना। इसमें भारत सरकार के काफ़ी सहयोग है। प्रारंभ के अंदर 3 साल तक भारत सरकार इस FPO को चलाने के लिए काफ़ी एक आर्थिक सहयोग दे रहा है, जिसमें CEO का है, ऑफिस का मेंटेनेंस है, कंप्यूटर वगैरह सारे प्रोवाइड के इस FPO को भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ये और खाद का उत्पादन भी इसी FPO के माध्यम से होगा कि जो ऑर्गेनिक खाद और जैविक खाद, ऑर्गेनिक और जैविक खाद दोनों चीज़ें क्योंकि रासायनिक खाद को धीरे धीरे कम करना है। इसके अलावा हमारा एक और सामाजिक उत्थान का काम और किसानों को जागृति का काम, समय समय पर कैंप लगाए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगा करके उसका आयोजन करके किसानों को अच्छी उन्नत किस्म की खेती का उनको एक समझाया जाएगा और उसके साथ में कृषि यंत्र, जितने भी कृषि यंत्र छोटे मोटे सारे कृषि यंत्र हैं वो भी इस FPO के माध्यम से किसानों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कम लागत के अंदर किसान अपना अनाज का उत्पादन कर सके। इसलिए ये भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। इसमें भारत आवश्यकता अनुसार भारत सरकार पूरी राशि इस काम के लिए देगी और इसमें 33% भारत सरकार की सब्सिडी, जो भी लघु उद्योग लगाएंगे उसमें 33% भारत सरकार की सब्सिडी होगी और ब्याज दर न्यूनतम ब्याज दर पर इस प्रकार के ये कंपनियों को दिया जाएगा, जो बैंकों के ब्याज दर से भी 2% कम ब्याज दर पर भारत सरकार इसको प्रोवाइड करेगी। साथ ही इसकी गारंटी भी भारत सरकार की है, किसी कारणवश के कोई उद्योग किसी प्रकार का असफल होता है तो भारत सरकार इसकी सारी गारंटी है, सारा पैसा भारत सरकार की द्वारा दिया जाएगा। इस पंचायत में लग रहा है नहीं, हर पंचायत समिति में अभी डूंगरपुर ज़िले में हर पंचायत समिति में शुरू किया गया है। इसमें चीखली में शुरू हुआ है, साबला में शुरू हुआ है, गलियाकोट में शुरू हुआ और सागवाड़ा में भी शुरू हुआ, पता नहीं डूंगरपुर और वहाँ क्या शुरू हुआ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये कि पूरी हर पंचायत समिति में एक FPO तो गलियाकोट एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से इसका यहाँ पर पंचायत समिति गलियाकोट में स्थापित ना की।
जो उड़द का बीज हो, मूंग का बीज हो और सब्जी के बीज हो, सोया बीज हो, हर प्रकार के बीज के हो ये इस कंपनी के द्वारा और उसके एक सामान्य कीमत, सामान्य कीमत के अंदर किसानों को क्या प्रोवाइड करने का काम हर पंचायत मुख्यालय पर जाकर। इसके अभी फिलहाल में कि 11 हमारे डायरेक्टर हैं और 11 डायरेक्टरों के साथ में इस संगठन का गठन, इस पंचायत समिति के जितने किसान हैं वो इस संगठन के सदस्य बनेंगे और अभी वर्तमान में हमारे 600 किसान इसके सदस्य बने। किस नाम से आपका ये? गलियाकोट फार्मर प्रोड्यूस। बताइए सर, राजेश जी बताइए इस खाद के बारे में बताइए, क्या नाम से आपने ये जो प्रोडक्ट चालू किया? जय जवान जय किसान। जैसा कि आपको जानकारी है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ये हमारा केंद्र चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने गलियाकोट एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की एक संस्था बनाई है जो एनजीओ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे इस वागड़ अंचल में जो हमारे किसान हैं उनको हम उचित और वाजिब दाम पर उनको बीज खाद दिलाएं और खेती के बारे में उनको जागरूकता कर को अधिक से अधिक इस परिस्थिति में जो जहाँ की अभी केमिकल खाद वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको न करके जैविक खाद के माध्यम से खेती की जाए, ताकि हमारे जो इसका जो परिणाम है और जो केमिकल खा जाती है उसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में हम हो रहे, आज कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, उसको निजात दिलाने के लिए हमारा जो एनजीओ है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हमारे यहाँ के जो किसान हैं और जो काश्तकार हैं उनको हम अधिक से अधिक सुविधा दें। और हमारा उद्देश्य यहाँ कोई व्यापार करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र में कृषि और कृषि को एक उद्योग के रूप में स्थापित करके उस कृषि के बारे में अधिक से अधिक, चाहे खाद बीज हो, चाहे यंत्र हो, चाहे इसकी नवीन तकनीक हो और जैविक खाद, विशेषकर आप देख रहे हैं कि हमने हमारे खुद के प्रयास से हमने गलियाकोट एग्रो फार्मर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड की ओर से हमने एक जैविक खाद का अभी हमने बनाया है, खुद ने हमारा एमपी के कंपनी से हम इसका रॉ मटेरियल लाके यहाँ बनाया है और हम चाहते हैं कि ये हमारे किसान जो कि 500 रुपये का बैग है मात्र और एक बैग मात्र 600 रुपये का बैग है और एक बीघा में एक पूरा ये बैग उपयोग किया जाएगा और इससे जो आने वाली खेती है, जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होगा और हमारे शरीर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हमारा ये उद्देश्य है कि हम आने वाले समय में जब बरसात की ऋतु आएगी, पानी गिरेगा, तो हम प्रत्येक गांव में जाकर हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो मिनीकिट है और वृक्षारोपण के बारे में, और हम जो किसान हमारा है वो अपने घर पे खुद सब्जी उगाए, अच्छा खाना खाए, अच्छा स्वास्थ्य रहे और उनको मिनीकिट भी हम जाके वहाँ बांटेंगे, उनका हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। और हमारा जो कंपनी है गलियाकोट एग्रो फार्मर प्रोडक्ट कंपनी, उसका उद्देश्य ये कि इस क्षेत्र में जन जागरूकता ले जाए और जो किसान के बारे में जो सरकार की जो मदद है, सरकार जो हमारे किसानों के लिए कर रही है, उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर उन गरीब किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। और अच्छा कोई किसान है वो कोई यंत्र लेना चाहता है तो उनके बारे में भी हम उनको ट्रेनिंग देके इसको अधिक से अधिक हम इसको लाभ देंगे। जो हमारा जो केंद्र चल रहा है उसमें हमारे विशेष रूप से मणिलाल जी यादव और कांतिलाल जी पाटीदार और बद्रीनारायण जी शर्मा विशेष रूप से इसकी सेवाएँ दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार के सहयोग से इस जनजाति क्षेत्र में ये जो सरकार की योजना है उसका हम गरीब किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का हम प्रयास करेंगे। आप एकता समाचार इस रिमोट एरिया में आए और इस समाचार को आपने कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बताइए आज गलियाकोट एग्रो फार्मर के नाम से आपने जो प्रोडक्ट चालू किया है, बताइए। आज गलियाकोट एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर आपका वेलकम स्वागत है एकता समाचार को। हमारी जो कंपनी है गलियाकोट एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये भारत सरकार की कंपनी है। भारत सरकार के अंतर्गत पूरे इंडिया के अंदर 10,000 एपीओ बनाए गए, उसमें गलियाकोट जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उसका इसमें चयन किया गया। इसमें अधिक से अधिक हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक खेती के साथ में जोड़ना, क्योंकि हमारा जो किसान है आज खेती तो कर रहा है लेकिन किसान का जो मित्र जिसको बोलते केचुआ आज ज़मीन से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अधिक से अधिक किसान उसमें केमिकल यूज़ करता है। केमिकल के कारण से हमारी ज़मीन आज बंजर टाइप हो गई है, क्योंकि ज़मीन कड़क हो गई है, जब जुताई करते हैं तो उसमें खड़खड़ की आवाज़ भी आती है। तो ये सभी प्रकार के जो लक्षण हमारे ज़मीन में हुए हैं वो केमिकल अधिक डालने से हुए हैं।
तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को अधिक से अधिक जैविक खेती के साथ में जोड़ना, बागवानी कराना, नए नए तकनीकी खेती, नए नए उपकरण किसान से साथ में, जो हमारी कंपनी के साथ में जो किसान जुड़ता है, इसको नई नई तकनीकी खेती कराई जाएगी। दूसरी बात, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनिक खाद, जिसको जो पौधे को जैसे कि 16 प्रकार की कंटेंट की ज़रूरत होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, इसमें सभी प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें बोरोन है, सल्फर है, मैग्नीस है, जिंक है, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, तांबा, मोलिब्डेनम, ये जो तत्व हैं, उन तत्वों को मिला करके, ये 16 प्रकार के तत्वों को मिला करके हमारा ये जैविक खाद बना गया है, जो 50 किलो का है, मात्र इसको 600 रुपये में दिया जा रहा है। अगर किसान इसको घर बैठे भी अगर ऑर्डर दे रहा है, तो हम इसको ऑर्डर बुक करेंगे और उसको होम डिलीवरी भी माल सप्लाई करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक नई तकनीकी खेती कराना। दूसरी बात, किसानों को यहाँ पे जो बाज़ार रेट से, बाज़ार की जोर है, उस कम रेट के अंदर हमारा यहाँ पे खाद, बीज, दवाइयाँ वगैरह प्रोडक्ट उनको अवेलेबल कराना। 6400। दूसरी बात यहाँ पे आता है कि हमारा जो किसान है, आज मंडी नहीं है तो दहादू जाता है, बांसवाड़ा जाता है, डूंगरपुर जाता है माल बेचने के लिए, तो इससे क्या होता है कि आसपास के किसानों ठगे से जाते हैं। तो हमारा आने वाला जो समय है, गलियाकोट एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एक मंडी का लाइसेंस की प्रक्रिया हमारी जारी है, अभी कुछ समय के अंदर भी मंडी का लाइसेंस भी आ जाएगा। हम सभी मिलकर के, हम ही सभी इस कंपनी के अंदर 10-11 डायरेक्टर सब मिलकर के इसको सुव्यवस्थित करेंगे और अधिक से अधिक किसानों को हम इसको लाभान्वित करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर भी कुछ खेती तो करते हैं, तो एक ड्रिप सिस्टम होता है, जैसे कि कम पानी के अंदर भी हम इसको ड्रिप के द्वारा भी फसल को हम पैदावार ले सकते हैं। तो ड्रिप सिस्टम करने से हमारे ज़मीन के मृदा अपरदन का जो काम होता है, वो उसमें मिट्टी का बहाव वगैरह उसको रोक भी सकते हैं। इसके अलावा कि वृक्षारोपण, आसपास के जो हमारा गलियाकोट ब्लॉक के अंदर 5000 से अधिक हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हमारा इस गलियाकोट एग्रो के का जो लक्ष्य रखा गया है, तो हम इसको जल्दी ही इस बारिश के अंदर पूरा करेंगे, हम ये सब मिल करके। इसके बाद में जो किसान, जो पोषक तत्व जो ज़मीन के अंदर जो ज़रूरत है, इसके अलावा अनावश्यक डालता है, अनावश्यक डालने से हमारा जो किसान का जो मित्र, जिसको बोलते केचुआ, आज ज़मीन से ख़त्म हो चुका है, तो इसको वापस किसान का मित्र को यथावत रखने के लिए, हम इसको वर्मी कंपोस्ट, ये जो खाद जो हमने बनाया है जैविक, इसको अधिक से अधिक डलवाने के लिए हम इसका प्रयास करेंगे। और उसके बाद में आप जो पधारे, आपने हमारा इस गलियाकोट एग्रो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी में आए, उसका वेलकम, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। जय, पता दीजिए। मेरा नाम मणिलाल यादव, मैं पाटनपुर से हूँ और पिछले में कई सालों से इस ऑर्गेनिक खेती के बारे में और खेतीबाड़ी से रिलेटेड में कुछ जानता हूँ। प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, कौन सी जगह? अपना ये मैन्युफैक्चरिंग गलियाकोट एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर का कंपनी का मैन्युफैक्चर खुद ही कसारिया रोड पे है, और आप वीर कालीबाई कन्या महाविद्यालय छात्रावास है, उसके जस्ट सामने ही हमारा दुकान है, गोदाम है हमारा दो, और इसके अलावा दो हमारा गोदाम है। मोबाइल नंबर 9602032498। 10 लाख से ज़्यादा का हमारे पास बीज है, सभी प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास में स्टॉक में। ओके, थैंक्स।